नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लासेस बहराइच में। आज हम लोग बीकॉम फाइनल ईयर में इसमें जो पेपर है इनकम टैक्स, उसको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। ये डॉक्टर राम मनोहरिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है 2016 का, इनकम टैक्स का। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए तो ईजी होता है, बट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को इसका मैटर नहीं मिल पाता है इंग्लिश में, इसलिए पेपर दे रहे हैं पूरा। तो ये पहले बीकॉम सेकेंड ईयर में था, इसलिए यहाँ पे सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, लेकिन अब ये 18 से इधर जब पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद ये क्या हुआ, चला गया बीकॉम थर्ड ईयर में। तो ये फोर्थ पेपर था पहले, देखते हैं इस बार। तो ये 3 घंटे का पेपर है, तो देखेंगे तीन पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए और बी और सी। तो तीनों में इस सेक्शन में कितनी थ्योरी आई है और कितना न्यूमेरिकल आया है ये देखिए, क्योंकि इससे बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हैं आपको आगे की तैयारी करने में, काफी हेल्प मिलेगी आपको। तो देखिएगा और ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, इनको आप रीड करेंगे, फिर जब सेक्शन ए की शुरुआत करेंगे। सेक्शन ए में देखिए 10 पार्ट है और एक जो है 2 नंबर का है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए ये कीवर्ड्स हैं, ये हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया टोटल इनकम, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, अब ये हर साल पूछे जाते हैं, इनको ये मत सोचिएगा कि इस बार 2016 में पूछे गए तो ये 17 में नहीं पूछे गए होंगे, ये हर साल पूछे जाते हैं। फिर क्या डीम्ड इनकम, कैपिटल एसेट्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, फेयर रेंट ऑफ द हाउस, ठीक है, डिडक्शन ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस, हुई स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, अगर आपने क्लास में नहीं देखी है तो उसमें आपको इस तरीके के वर्ड हम बोलते मिले होंगे, हमने बताया होगा, और ये सारे पॉइंट हमने कहीं ना कहीं बता रखे हैं। और इसके बाद जो सेक्शन बी शुरू होता है तो 10 क्वेश्चन मतलब होंगे, हालांकि एक इसके साथ एक और लगा के दिया होगा, 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए हाउस परक्यूसाइड अ मोटर कार इज वैल्यूएट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, तो ये विभिन्न परिस्थितियों में मोटर कार संबंधी अनुलाभों का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे, तो परक्यूसाइड से रिलेटेड पॉइंट है ये और ये पूछा जाता है। फिर इसके बाद क्या है जो है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी आपकी बुक में एक पूरी पूरी टेबल बनी हुई है, उस टेबल को आपको बनाना है। दोनों में से कोई एक थ्योरी है, लेकिन आप लिखना आपको बहुत सटीक शब्दों में है, इसलिए ना पढ़े अगर आप जाएंगे तो दिक्कत आपको ज्यादा होगी। एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब देखिए 80G देखा जाए विदाउट लिमिट एक होता है, विद लिमिट, ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 80G डोनेशन से रिलेटेड होती है, और देखिए 80GG ये भी डिडक्शन दी गई है इससे रिलेटेड। अब देखो दोनों में से कोई एक थ्योरी करनी है। अब ये टोटल इनकम जो है डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम चैप्टर से रिलेटेड ये आपको है, मिल जाएगा, ये भी थ्योरी थी। अब इसके बाद देखेंगे आगे वाले में आपको दिख रहा है क्या, डिस्कस द डिफरेंट मोड ऑफ रिकवरी, वसूली की विभिन्न विधियां का वर्णन कीजिए, ये थ्योरी लास्ट में आपको एकदम लास्ट में मिलेगा, लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपके चैप्टर में भी। एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी, ये भी आपका एक चैप्टर है पूरा, वहां से स्टार्टिंग पार्ट उठा लिया इन्होंने, यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल बहुत पूछे जाते हैं इससे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है थ्योरी का, अब देखिए थ्योरी ही दी है 2016 में, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल ज्यादा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम इधर उधर पढ़ते रहते हैं और मेन पार्ट उसका नहीं पढ़ते हैं। हर साल का पेपर हम आपको लगभग 10 साल का पेपर देंगे, उसमें आप देखिएगा कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थ्योरी के। टैक्स प्लानिंग, टैक्स एविडेंस एंड टैक्स इवेशन, ये देखिए इनमें से तीनों करना है, अब ये पार्ट इसके तीनों करने हैं, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। डिस्कस पावर एंड ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये इसी के आर लगा के। तो 6 नंबर में जब जाएंगे तो लिखा हुआ है एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इनकम टैक्स पर्पस, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्सेबल सिक्योरिटीज एंड टैक्स फ्री सिक्योरिटीज, ये आपको वहां से रिलेटेड मिल जाएगा। अब देखो इसके आर में एक न्यूमेरिकल दिया है, पूरे सेक्शन बी में एक न्यूमेरिकल दिया है कुल मिला के बस, और वो भी आपकी बुक का एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल है आपकी, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का है, वहां से देख लीजिएगा, एग्जांपल दिया है, उसको सॉल्व भी मैंने करा है। यहाँ पे डिडक्शन जो मिल रही है 11 लाख की डिडक्शन मिल रही है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो रेवेन्यू नेचर होता है टोटल अलाउ होता है, और जो कैपिटल नेचर होता है वो 1/5 होता है, तो हिसाब से 6 लाख हो जाएगा। पहले 10 लाख देंगे, बाद में 1 लाख का अलग से देंगे, क्योंकि वहां पे इनकम पूरी 80 लाख तो बिजनेस की, तो वो ब्रेक डाउन करेंगे, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसको पूरा कर लेंगे। ये था एक ही क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो अब सेक्शन सी में जब जाएंगे तो सेक्शन सी देखेंगे, तो इसमें कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। अभी देखिए 2 क्वेश्चन करने हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका ये टोटल इनकम का है, ठीक है,
ये इनकम टैक्स में सेक्शन सी फंसता भी है ज्यादा। अब सब ये भी देखना होता है कि कितने साल एज है, तो ये देखेंगे आप, ये देखिए पूरा यहाँ पे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, बहुत छोटा सा है, आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना, ठीक है। और इसके बाद अब आगे जाएंगे तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ से देख लीजिएगा अगर किसी को दिक्कत आएगी तो। और फिर 8 नंबर क्वेश्चन जाएंगे, तो ये भी आपका देखिए बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है, नहीं पर्टिकुलर प्रोफेशन, हाँ बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है। अब देखिए ये भी एग्जाम्पल है आपकी बुक का, ये भी एग्जाम्पल है, उसको देख लीजिएगा ध्यान से, नहीं लगेगा तो मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा, हम आपको सॉल्व करवा देंगे सारे क्वेश्चन एक बार जो है अच्छे से, ठीक है। और 9 नंबर देखेंगे तो ये भी न्यूमेरिकल है, देखिए आप 9 नंबर है, और ये भी टोटल इनकम का है। अब देखिए टोटल इनकम का क्वेश्चन है पूरा, ये है पूरा, अब इसको देखिए आप, ये 10 नंबर ये भी न्यूमेरिकल दिया है, और ये इनकम फ्रॉम सैलरी का दिया है, अच्छा हाँ ये टोटल इनकम का, टोटल इनकम का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, टैक्स लायबिलिटी जो क्वेश्चन कराया था मैंने, पहला क्वेश्चन है, और लास्ट में एक थ्योरी है वो भी एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड थ्योरी, इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं दी गई है। अब आपका इस तरीके से फंस जाता है सेक्शन सी, तो ये आपने पूरा देख लिया, अब आइडिया आपको लग ही गया होगा। इस तरीके की और वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अगर ये पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो है टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक, धन्यवाद।